उनका ये इशारा था कि झारखंड में भी जो है लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं जो विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं, गवर्नर भी यहाँ तक कह दे रहे हैं कि संवैधानिक, तो क्या मतलब ये राष्ट्रपति शासन की ओर इशारा है? लाल मरांडी जी ज्ञान बांटते हैं और अगर गवर्नर साहब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। अन्याय किसके साथ हो रहा है? न्याय का मतलब क्या है कि आप लोगों के साथ कौन अन्याय कर रहा है? केंद्र सरकार के द्वारा तरह तरह के छल प्रपंच करके इनको रोकने का काम किया जाता, तो ऐसा नहीं है कि, और छीनने का काम किसने किया था? बाबूलाल मरांडी जी ने। जो JPSC के रिजल्ट कभी नहीं होते थे वो JPSC के रिजल्ट निकाले जा रहे हैं। JSSC के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है। आधार भी उन्होंने दिया, एग्जांपल दिया, बोले कि देखिए जेल से संचालित हो रहा है झारखंड की जो भी महागठबंधन सरकार है, जेल के अंदर से कॉल आता है और किसी को धमका दिया जाता है, तो सारा कुछ जो है जेल से संचालित हो रहा है, मतलब क्या है वो कौन व्यक्ति है? राहुल गांधी की अगुवाई में एक बार फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की जा रही है। इस बार भारत जोड़ो यात्रा में न्याय यात्रा शब्द जुड़ा है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हैं। ये जो यात्रा शुरू हो रही है उस यात्रा के बारे में पहले संक्षिप्त में बताइए कि इस यात्रा की वजह क्या है और झारखंड में इस बार जो है यात्रा के क्या मायने हैं? नहीं, देखिए पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा हुई थी और जो देश के अछूते भाग रह गए थे, जो जहाँ नहीं जा पाए थे, वहाँ लोगों का एक बहुत बड़ी मांग थी कि भाई आप एक यात्रा इधर से भी हो। और जिस तरह से परिस्थितियाँ बनी हुई थी मणिपुर में, जो न्याय लोगों को मिलनी चाहिए थी अब तक उस ओर किसी का ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद किस तरह से महिलाओं के साथ हरकत हुई उसको देखने के बाद भी प्रधानमंत्री जी का सीना नहीं पसीजा और आदरणीय राहुल गांधी जी गए थे, उन्होंने महसूस किया कि एक यात्रा मणिपुर से चल करके मुंबई तक होनी चाहिए, तो उस निमित्त तो उन्होंने वो यात्रा का रूट तय किया है। 6713 किलोमीटर जाना है और वो लगभग 110 जिलों से होकर के गुजरेगी, तो उस निमित्त सारी तैयारी हो रही है। और जो जहाँ तक झारखंड की बात है, तो झारखंड की बात है तो सबसे पहले तो मैं अपने नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने झारखंड के कांग्रेसजनों को इस लायक समझा कि ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया है। दूसरा ये है कि जिस तरह से झारखंड में एजेंसियों की कार्रवाई चल रही है और जिस तरह से लगातार झारखंड की छवि को धूमिल करने का पूरे देश में प्रयास हो रहा है, उस संदर्भ में भी कुछ बातें लोगों के सामने आए। और आप जानते हैं कि किस तरह से मीडिया का रोल रहता है, तो एक मीडिया को भी मौका देना है कि भाई हम सही काम कर रहे हैं उसको भी दिखाइए और बाकी चीज़ों को दिखाते रहिए। हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें लगता है कि कुछ न्याय वो लोग भी करेंगे और उस निमित्त उन्होंने इतनी लंबी रेखा खींचने का। अन्याय किसके साथ हो रहा है? न्याय का मतलब क्या है कि आप लोगों के साथ कौन अन्याय कर रहा है? ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से ट्रक ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर है, उनके लिए जो कानून लाया गया, जिस तरह से वो सड़कों पे है, उनके लिए कौन लड़ेगा? मणिपुर में जो हुआ कोई भी व्यक्ति देखेगा तो शर्मिंदा हो जाएगा, उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। बेरोजगारी बिल्कुल चरम पर है और उस पर कहीं कोई प्रधानमंत्री जी की बोली चाली नहीं है। नफरत चरम पर है, आप देखते हैं किस तरह से भीड़ की हिंसा होती है और किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है, वो चीज़ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके चलते लगता है कि लोगों के साथ अन्याय हो रहा है इस देश में। उसको न्याय दिलाने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी मजबूती से खड़े हो रहे हैं, उनका लोगों का समर्थन मिलेगा, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी की आंखें खुलेंगे, कुछ ना कुछ सोचेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। पहला चरण जो भारत जोड़ो यात्रा का था वो जहां से शुरू हुआ था वहां पर तो ठीक ठाक जो है असर दिखा, लेकिन जो अभी चुनाव हुए, चाहे राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, वहाँ पर उस यात्रा का असर नहीं देखने को मिला, तो क्या ये उस वो जो यात्रा है इस यात्रा में क्या फ़र्क है, कैसे अलग होगा? नहीं देखिए, आप लोग सिर्फ चुनाव के दृष्टिकोण से हर चीज़ को देखते हैं, प्रधानमंत्री जी की तरह हम लोग उस नज़र से नहीं देखते हैं, हम लोग अपना काम करते हैं। ये कौन क्या कह रहा है, उसका रिजल्ट का क्या फ़ायदा हुआ, अगर सकारात्मक सोच के साथ देखेंगे, अगर उसी पर बात करते हैं चुनाव में क्या फ़ायदा हुआ, तो आपको हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना दिखेगा। अगर नुकसान देखना होगा नकारात्मक तरीके से, तो इन जगहों की हार दिखेगी।
एक्चुअली में हमारी जीत और हार की बात नहीं या उनकी जीत और हमारी हार की बात नहीं है, जनता कैसे जीतेगी उसके लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। और आदरणीय राहुल गांधी जी, संजीदगी के साथ एक बार फिर से, न्याय की जब आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों पर अन्याय का आरोप लग रहा है। ओबीसी आरक्षण को जिस तरीके से आप लोगों ने वादा किया था वो धरातल पर नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि हमारे साथ जो है अन्याय हुआ है, तो न्याय की बात क्यों कर रहे हैं आप लोग जब आरक्षण जिस वादे के साथ जो है 27% आरक्षण देने की जो आप बात कर रहे थे उस पर तो आप उस तरीके से जो नहीं काम कर पाए। देखिए, उसमें पूरी बातों को समझना पड़ेगा। हमने तो विधेयक पारित कर दिया, अब कहाँ है वो मामला, वो गवर्नर साहब के पास है। तो उसमें आप जानते हैं किस तरह से खेल चलता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्ञान बांटते रहते हैं। हमारी कोशिश है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। और आप जानते हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा तरह तरह के छल प्रपंच करके इनको रोकने का काम किया जाता, तो ऐसा नहीं है कि। और छीनने का काम किसने किया था, बाबूलाल मरांडी जी ने, राज्य बना उन्होंने छीन लिया, तो उसको लागू करने की हमारी जिम्मेदारी है और हमारे पास अभी साल भर का वक्त और है, पूरी ताकत के साथ उसको लागू करेंगे। क्या लग रहा है कि जितना वक्त आप लोगों के पास बचा है और जितने जो आप लोगों ने जो मेन जो अगर मुद्दा अगर देखा जाए तो ओबीसी आरक्षण हो चाहे तमाम जो स्थानीय मुद्दा हो, तो क्या ये एक साल में झारखंड की जनता मान ली कि, या फिर उनको आप कैसे ये आश्वस्त करेंगे कि इस इतने समय में जो है हम अपने वादे पर उतर जाएंगे पूरे। फिर मैं कहूँगा कि एक बार सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। किसानों का ऋण माफ हुआ है, सर्वजन पेंशन के माध्यम से 60 वर्ष के से ऊपर के हर व्यक्ति को बिना कोई आरक्षण का ख्याल किए हुए पेंशन दिया जा रहा है। जो जेपीएससी के रिजल्ट कभी नहीं होते थे वो जेपीएससी के रिजल्ट निकाले जा रहे हैं। जेएसएससी के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है। जो एक उन लोगों ने फौज तैयार की थी अनुबंध कर्मियों की, उसके बारे में भी लगातार सोचा जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हुई है और बहुत सारी चीज़ें होनी है। ये सही है कि जो 27% आरक्षण का मसला हो, मॉब लिंचिंग के कानून का मसला हो, 1932 के खतियान का मसला हो, इन सभी चीज़ों पर हमारी संजीदगी और हमारे विधेयक पारित करने के बाद भी तरह तरह के खेल किए जा रहे हैं, लेकिन ये सब ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। हम समझते हैं बहुत जल्द हम उस पर सफलता प्राप्त करेंगे। एक सवाल लेंगे, जो अभी गतिविधि चल रहा है झारखंड में, गवर्नर और बाबूलाल मरांडी, पहला तो बाबूलाल मरांडी ने उनको पत्र लिखा और कहा कि भैया बचा लीजिए झारखंड को, संवैधानिक खतरा है, लॉ एंड ऑर्डर जो है बिल्कुल ध्वस्त है, आग्रह किया उनसे कि हुजूर किसी तरह से जो है। गवर्नर ने भी बयान दिया है कि वाकई झारखंड में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है, संवैधानिक संकट एक तरह से उनकी ओर इशारा कर, उनका ये इशारा था कि झारखंड में भी जो है लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं जो विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं, गवर्नर भी यहाँ तक कह दे रहे हैं कि संवैधानिक, तो क्या मतलब ये राष्ट्रपति शासन क्यों इशारा नहीं? नहीं, देखिए आप, बाबूलाल मरांडी जी ज्ञान बांटते हैं और अगर गवर्नर साहब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। नहीं, उनका एक आधार भी उन्होंने दिया, एग्जांपल दिया, बोले कि देखिए जेल से संचालित हो रहा है झारखंड की जो भी महागठबंधन सरकार है, जेल के अंदर से कॉल आता है और किसी को धमका दिया जाता है, तो सारा कुछ जो है जेल से संचालित हो रहा है, मतलब क्या है ये? वो कौन व्यक्ति है जो जेल से कह रहा है, वो किसका पार्टनर है? बाबूलाल मरांडी उसको कितने दिनों से जानते हैं, क्या वो नहीं करवा रहे हैं ये काम? एक तरफ करवाते हैं, दूसरी तरफ गवर्नर को बताते हैं। पूरी घटना की जांच होगी तो सारे लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। हम समझते हैं कि चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, कौन लोग का किससे क्या संबंध रहा है, किसके कहने पे वो क्या कर सकता है, वो भी जांच का विषय है, होने दीजिए, सब कुछ स्पष्ट हो जाए। एक आखिरी सवाल, ये जो यात्रा है न्याय यात्रा आपने नाम दिया इसका, तो इस यात्रा में कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं, किनको मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है और किस तरीके से जो है इसको झारखंड में जो है आप लोग अरेंज कर रहे हैं? इसमें कोई मुख्य अतिथि की बात नहीं, हम जनता के बीच जा रहे हैं, सबका साथ होगा, समाज सेवी संगठनों का, स्वयंसेवी संगठनों का, जो हमारे पत्रकार मित्र हैं उनका, सभी लोग। राहुल गांधी जी के अलावा बड़ा जो चेहरा है उसके अलावा और कौन कौन चेहरा देखेंगे? तमाम लोग आपको कभी प्रियंका गांधी जी मिलेंगे, खड़गे साहब मिलेंगे, तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो मिलेंगे। तो हम समझते हैं जो भी रास्ते से गुजरेंगे, जिसको लगेगा कि कहीं अन्याय हो रहा है, वो निश्चित रूप से इसमें शामिल होगा न्याय यात्रा में। चलिए, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। ये प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर दे
जो कह रहे हैं कि ये जो यात्रा है वो जनता के हित के लिए है, ये किसी भी राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको नहीं आंका जाए। शुक्रिया। thefollowup.in Like, share and subscribe www.thefollowup.in